नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत ही सामान्य होती है और इस उन चीजों को करने से न तो आपका आ, किसी प्रकार का रुपया खर्च होता है और न इस उपाय को करने से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है आ, बस होता है आपकी किस्मत में लिखा हो तो उसका फायदा ही फायदा देखने को मिलता है अन्यथा आपको उसका फायदा भी नहीं मिलता तो किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं उठाना पड़ता दोस्तों आज का ये उपाय एक व्यक्ति ने स्वयं किया है और उपाय को करने से उस व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर इतना फायदा प्राप्त हुआ है कि जिसकी वह उपाय करे और उसके बाद उसकी किस्मत उसका साथ देने लग जाए और वह काम करे तो दोस्तों निश्चित तौर पर वह मालामाल हो जाता है तो दोस्तों आज का यह उपाय उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जो अपने कर्म तो करते रहते हैं उसके साथ ही इस छोटे से उपाय को करते हैं तो दोस्तों उनके जीवन के अंदर कभी भी नकारात्मकता नहीं रहती है तो बात करते हैं उपाय की दोस्तों आप किसी भी दिन सुबह जल्दी उठें जल्दी उठने के बाद सबसे पहले काम करें स्नान कर लें स्नान करने के बाद दोस्तों आप देखते हैं कि आपके आसपास हिंदुस्तान में पूरे क्योंकि हिंदुस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष भी है और हर जगह पाया जाता है बरगद दोस्तों बरगद की विशाल जटाएं होती है और बरगद अपनी जटाओं के माध्यम से पानी को खींच कर लेकर आता है दोस्तों बरगद अपने आप में ही एक सकारात्मकता का संदेश देता है और जहां पर भी पानी रहता है बरगद उसकी अपनी पहुंच वहां बना लेता है रात की चीज को अपनी तरफ खींच लेता है या चीज की तरफ आकर्षित हो जाता है यह गुण बरगद के अंदर पाया जाता है तो आप क्या करें बरगद की सबसे नीची जो सूखी हुई दोस्तों जड़ रहती है उसे आप तोड़कर लेकर आ जाए जिसके अंदर आकर्षित करने की शक्ति होती है अब आप वह लेकर आ जाए और उसके बाद क्या करें उस बरगद की जड़ को गंगा जल या फिर स्वर्ण पानी की सहायता से आपको अच्छी तरह से उस जड़ को धो लेना चाहिए ताकि धूल मिट्टी और किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज होगी जो बरगद के अंदर पहले किसी व्यक्ति ने उपाय किया हो तो वह फलित नहीं होगा उसके बाद उस बरगद की जड़ को ले और उसे आप महालक्ष्मी को दोस्तों सिंदूर बहुत जल्द आकर्षित करता है और माता लक्ष्मी को जो माथे के अंदर लगाया जाता है वह सिंदूर या आप कुमकुम -कुम कह सकते हैं वह चढ़ाया जाता है तब आप क्या करें उस बरगद की जड़ को उस सिंदूर कुमकुम की सहायता से पूरी तरह से आपको लाल कर देना चाहिए उस जड़ को आप 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 एक दम लाल कर लें उसके बाद क्या करें कि सात पांच या साथ अगर बत्ती जलाएं या जलाएं गूगल धूप लोबान भी जला सकते हैं गोबर इक्कीस के के बार, बार घुमाते रहे और मंत्र बोले प्रकार का आपको मंत्र बस मात्र मन ही मन बोलना चाहिए और दोस्तों ऐसा मंत्र आप बोल दें और उसके बाद क्या करें उस जड़ को आप अपने माथे से भी सात बार ओसार लें जिस व्यक्ति जो व्यक्ति घर के लिए धन कमाता है उसके ऊपर से सात बार आपको इसे ओसार लेना चाहिए ओसारने के बाद क्या करें इस जड़ को लें और इस जड़ को किसी व्यक्ति अपने माथे से सात बार ओसारते हुए अपने माथे के ऊपर से ले जाकर इसे अपने घर का जो मुख्य द्वार है दोस्तों उस मुख्य द्वार पर आपको इसे अंदर की तरफ लटका देना चाहिए दोस्तों इससे क्या होगा जो भी व्यक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश करेगा चाहे आपका शत्रु भी क्यों ना हो वह आपका मित्र बन जाएगा आपके घर के अंदर सदैव या आपके दुकान के अंदर भी आप लगाते हैं तो सदैव अच्छे लोग आते हैं और वह आपको कुछ ज्ञान की बात या फिर किसी प्रकार का धन विशेष आपको देकर ही जाते हैं आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार का उधार मांगने वाला या आपके घर के अंदर किसी प्रकार का कर्ज नहीं रहता है बीमारी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाता है और वह सदैव आपके जीवन के अंदर सकारात्मकता लेकर आती है इतना करते समय बस इस बात का ध्यान रखें कोई भी व्यक्ति आपको देखे नहीं कोई भी व्यक्ति आपको रोके नहीं कोई भी व्यक्ति आपको टोके नहीं टोकने पर यह उपाय फलित नहीं होगा इसी तरह एक छोटा सा उपाय और है कि आपको प्रत्येक दिन अपने घर के या सप्ताह में एक बार आपको क्या करना चाहिए कि आप नींबू और मिर्च दोस्तों या द्वार पर क्यों लटकाई जाती है तो इसका भी विशेष कारण रहता है दोस्तों लक्ष्मी और अलक्ष्मी अलक्ष्मी जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और मिर्च त्याग लगाते हैं तो उसकी माता लक्ष्मी की बहन मानी जाती है वह आपके द्वार से ही दूर चली जाती है और आपको गरीब नहीं बनाती है इसीलिए नींबू और मिर्च लें और इसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर लटकाएं ताकि अलक्ष्मी आपके घर के अंदर जैसे ही प्रवेश करें देखकर वापस वहीं से चली जाए इन चीजों को लेकर वहीं से चली जाए अन्यथा वह आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है तो दोस्तों माता लक्ष्मी वहां से अपना स्थान छोड़ देती है और आपके घर के अंदर गरीबी आ जाती है इसीलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें धन्यवाद मित्रों जय श्री राम मित्रों